हेलो एवरीवन, फाइव स्टार ग्रो चैनल पर आपका स्वागत है। और ये मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है और इसको हम करेंगे फ्राई। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ना ही कच्चा रखेंगे और ना ही पका हुआ। ये मैंने लिए है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम फ्राई कर लेंगे और इनको भी इतना ही फ्राई करना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए, जो भी इसमें कच्चापन है। फ्राई करने से हमें ये फायदा होगा कि जो आज से इसका टेस्ट अलग से सब्जी बनेगी, वो बहुत ही लाजवाब होगी। फ्राई करने से जो टेस्ट आता है, ऑयल उतना ही लगना है जितना हम सब्जी में मसाले पकाने में लगाते हैं, और इतना ही इसमें लगेगा। इसी में फ्राई करेंगे हम गाजर के बारीक कटे हुए पीस। इसको भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, खाली इसका कच्चापन करेंगे दूर। क्योंकि जब हम पिज्ज़ा या कुछ भी चीज़ ऐसी बनाते हैं, तो हम कच्ची सब्जियों का यूज ना करके ऐसे फ्राई करके उसको यूज कर सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं तवा पिज्जा, क्योंकि उसमें ओवन तो यूज होता नहीं है। तवे पे पकाते हैं तो ऊपर से सब्जी या कुछ कच्ची रह जाती है, तो हम ऐसे फ्राई करके उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी गाजर भी हो चुकी है फ्राई, और इसको भी हम शिमला मिर्च और प्याज के साथ अलग से निकाल लेंगे। ये पक चुकी हैं और ये हमारी आ चुकी है प्लेट, और इसको हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल बहुत ही कम है, तेल नहीं है, ना के बराबर ही है। इसी तेल में हम डाल देंगे जीरा, और अब डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छी तरह से इसको हम फेरेंगे ताकि ये नीचे से ना लग जाए। अब ये टमाटर पक चुका है, इसमें हम डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक, आवश्यकता अनुसार हल्दी पाउडर, और रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पिसा हुआ, पाव भाजी मसाला, इन सभी मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से पका लेंगे। इसमें तेल कम है, तो हम ये अपना गाजर, शिमला मिर्च और प्याज जो पहले फ्राई करके हमने निकाल के रख दी थी, उनको इसमें कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद अच्छे से करेंगे
मेक्स, और अब इसमें जो तेल की कमी थी वो पूरी हो जाएगी और मसाले अच्छे से पक जाएंगे। इस तरह से सब्जी बनाने का इतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा कि हम जब एक बार इस सब्जी को खाएंगे तो हर बार हमारा दिल करेगा कि हम इसी तरह से ट्राई करके सब्जी को बनाएं। कई सब्जियों को हम इसी तरह से फ्राई करके बना सकते हैं। और ये मैंने लिया है केचप सॉस। अगर आपको चटपटा और खट्टा खट्टा बनाना है तो आप केचप सॉस का यूज करें, अगर नहीं तो आप इसको यूज ना करें। और सॉस को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इसे कम से कम 2 मिनट स्लो गैस पे पकने देंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसमें यूज करेंगे एग्स। मैंने लिए हैं 4 एग्स। आज मेरे पास समय कम है इसलिए साथ साथ मैं उधर रोटियां भी बना रही हूं। ये 3 अंडे हो चुके हैं और 1 अंडा और 4 अंडे हम इसमें कर देंगे मिक्स। इनको अच्छी तरह से मसाले में मिला देंगे। और गैस को अब हम कर देंगे 1 मिनट के लिए फुल। फुल गैस पे हम इसको पकाएंगे और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे कहीं ये नीचे से ना लग जाए। इसको चेक करना जरूरी है। और जो ये हमारी अंडे की और शिमला मिर्च और प्याज के साथ जो हमने सब्जी भुजी तैयार की है, पहले हमने कभी नहीं खाई थी ऐसे बना के। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था तो हमने पहली बार ऐसे सब्जी को बनाया है। आप भी ट्राई करके देखें, इसका टेस्ट सबसे अलग था। और इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गैस को अब हम स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे ही इसको कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे। और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे कि ये नीचे से ना लगे। और जब ये हमारी सब्जी बन के होगी तैयार तो कसम से हम 1 रोटी फालतू ही खाएंगे, कम नहीं, क्योंकि बच्चों ने भी इस सब्जी को काफी पसंद किया था। तो ये हम इसका सूखापन बिल्कुल, जो भी इसमें गिल्लापन था वो खत्म हो चुका है और हमारी सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। अब हम इसको गैस से उतार देंगे और इसको हम जार में डाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जो कमेंट कर रहे हैं, अगर अच्छा कमेंट नहीं कर पाते तो आप कमेंट ना करें, भद्दा कमेंट ना करें जिससे हमें परेशानी होए।